Let's continue our topic gravitation. In my last lecture, I had concluded the concept of gravitational potential. मैंने gravitational potential का concept introduce करवा दिया था. अब हम यही gravitational potential के concept को further elaborate करते हैं और अलग-अलग mass system के लिए हम gravitational potential determine करते हैं. मेरा पहला mass system है, मैंने point mass के लिए तो gravitational potential के लिए expression बता दिया था और उसके लिए एक hyperbolic curve भी बना दिया था. Now, if we have got a thin uniform circular ring, this is a thin uniform circular ring. Its mass is m and its radius is r. इस रिंग के यह तो सेंटर पॉइंट है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग. और रिंग की इस एक्सिस पर यह कोई सा भी पॉइंट पी है जो कि किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पर हो सकता है. नाउ दिस इज अ मास सिस्टम और मास सिस्टम इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग. उसका मास एम, रेडियस आर और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की इस एक्सिस पर यह पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर. Can you obtain what is gravitational potential at this r distance? Also, if this r is equal to zero, what would be the gravitational potential in this situation? If r is very very large as compared to radius of ring, limits ka concept apply karte hue yahan sochiye ki at large distance r par gravitational potential क्या होएगा? If r is equal to infinity, तब gravitational potential क्या होगा? यह सारी बात सोचने के बाद फिर plot form gravitational potential versus r. हम अच्छी तरह से जानते हैं gravitational potential एक negative value होती है, तो positive direction में तो हमने कुछ नहीं बनाया, positive direction में सिर्फ r indicate कर दिया, gravitational potential हमेशा negative होएगा, minus to r to plus r. Why not give an attempt on your own? इस situation पर एक बार attempt पहले आप दीजिए. दो चार मिनट के अंदर ही मैं डिस्कस कराता हूं. दिस इज अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, मास इज रेडियस इज आर. इसकी एक्सिस पर स्मॉल आर की दूरी पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पी है
इस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होना चाहिए? यदि हम ठीक सेंटर पर ही आ जाए, मतलब आर की वैल्यू जीरो हो जाए, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? पहले इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कैपिटल आर, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? इफ आर इज इनफिनिटी, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? थिंक ओवर इट. नाउ लेट मी कैरी इट्स डिस्कशन. देखिए, हम इस रिंग पर कोई सा भी मास डीएम यदि लेते हैं, सबसे पहले इस जगह पर हम एक स्मॉल टेस्ट मास एम रख दें. हमें इस जगह पर एक स्मॉल टेस्ट मास एम रख दें. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन कर लेंगे और फिर इस स्मॉल टेस्ट मास एम को 1 kg कर देंगे. तो इस 1 kg मास की जो भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन. हमने यह एक डिफरेंशियल मास डीएम लिया. इस डिफरेंशियल मास की इस पॉइंट से जो दूरी है दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दिस दूरी इज, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर. इट वुड फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वुड बी हाइपोटेन्यूज. Try to imagine the situation. अब हम कहेंगे differential potential energy due to this differential mass of this is minus g dm into m by its distance that is under root of आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दिस इज डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास सिस्टम डीएम और एम. पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. इन ऑर्डर टू गेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी it must be scalarly added, means उसे integrate कर दिया जाना चाहिए. Integral of minus g dm into m by under root of r square plus r square. हम देखें इस यू की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए माइनस जी एम यह कॉन्स्टेंट है, डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल साइन के अंदर बच रहा है सिर्फ डी एम. और इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस g m m by r square plus r square to the power 1 by 2. Integral of dm is capital M. Of course, इस रिंग पर जितना भी मास है वो इस पॉइंट से इतनी ही दूरी पर है, इसलिए अंडर रूट ऑफ r square plus r square की दूरी पर है, इसलिए यह पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है. अब इधर से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन लगा दें. वी यूज टू से इफ दिस टेस्ट मास इज 1 kg, तब जो भी आपको
इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। मैं इधर मास इक्वल टू 1 kg कर दूं और यू की जगह वी कर दूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट आर डिस्टेंसेस माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर ऑन द एक्सिस। अब आर इक्वल टू जीरो पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? बड़ा साधारण सा काम, इधर आर इक्वल टू जीरो कर दो बस। यदि इधर आर इक्वल टू जीरो हमने कर दिया तो हमें साफ साफ दिखने लगेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट जीरो इज माइनस जीएम बाय, डायरेक्टली ही लिख देता हूं मैं, स्टेप बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इधर सीधा सीधा ही माइनस जीएम बाय आर इक्वल टू जीरो कर दिया बाय आर। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। अब इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ रिंग फाइनाइट, इट मीन्स आर इज सम 5 times और 10 times ऑफ रेडियस ऑफ रिंग। ऐसी कंडीशन में रेडियस ऑफ रिंग को हम इग्नोर कर सकते हैं और स्मॉल आर लिखा रहने देंगे और वहां पर माइनस जीएम बाय स्मॉल आर लिखने लगेगा। इसका मतलब है इन दिस सिचुएशन रिंग वुड बिहेव एज अ पॉइंट मास। ब्रैकेट में लिख देता हूं, रिंग बिहेव एज अ पॉइंट मास एट सेंटर। रिंग बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगी जैसे कि रिंग के सेंटर पर पॉइंट मास रखा हुआ है, मास कैपिटल है, क्योंकि यदि कोई पार्टिकल बहुत दूरी पर होगा तो रिंग उसको सेंटर पर रखी एक पार्टिकल जैसे दिखेगी। एंड इफ आर अप्रोचेस इंफिनिटी तो यह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसे यदि हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे इट वुड बी लाइक दिस। एट द आर इक्वल टू जीरो यह है माइनस जीएम बाय कैपिटल आर, वाइल फॉर लार्ज आर दिस इज माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस कर्व के बारे में एक बात लिख दूं, दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस आर इज कंटिन्यूअस एस वेल एस डिफरेंशिएबल यह कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है ओवर आर इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू आर इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक
यह कंटिन्यूअस कर्व है और साथ में डिफरेंशिएबल कर्व। क्या इसका मतलब है, यह भी मैं समझाऊंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में यह समझ में आएगा कि इस कर्व के डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब होता है। अभी सबसे पहले हम यह बात जरूर नोट डाउन कर लें कि इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस आर देखकर हमें कंटिन्यूअस भी दिख रहा है और बिल्कुल स्मूथली इसकी वैल्यू चेंज होती हुई दिख रही है, तो डिफरेंशिएबल है। सारी चीज नोट डाउन करें।